गाइस, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकदम नया साल स्टार्ट हो गया है। मैं भी बहुत मोटिवेटेड हूँ हर इंसान की तरह। हर मीम्स देख रही हूँ जनवरी में कैसे मोटिवेशन रहती है। बट या जो मैं अपने हमेशा से पूरे टाइम से करते आई हूँ, मैं एक तारीख को अपने रेजोल्यूशन, चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम 10 न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिखती हूँ और सोचती हूँ मैं काम करूँगी। वैसे लास्ट कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रही हूँ, ओवर स्ट्रेस्ड हूँ। मतलब एक दिन में मैं 5-5 वीडियो एडिट कर रही हूँ, फिर मैं फ़्लाइट भी कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे स्लीपलेस नाइट्स जा रही थी। तो आज मैंने सोचा मैं अपना दिन बहुत ज़्यादा स्लो रखूँगी। आज हम घर की चीज़ों पर ध्यान देंगे। एंड सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में मैंने अपने बाल ठीक किए, उसके बाद मैंने अपना बेड अच्छे से लगाया। एंड आज मेरी कोई फ्लाइट नहीं है, तो आई हैव दिस होल फॉर माई सेल्फ, जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। बेसिकली मुझे रीसेट करनी है अपनी लाइफ, जो बहुत मतलब हॉच पॉच हो गया है। मैं चाहती हूँ एक सिंक्रोनाइज्ड, एक अच्छे से मैनर में चले, जिसमें मैं खुद पे भी टाइम दे पाऊँ और चीज़ों को भी अच्छे से बैलेंस कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने सोचा फर्स्ट जनवरी को हम ऐसा ही कुछ करेंगे। तो इतनी सारी पार्टियों में जाना था, पार्टीज़ की थी, मतलब ऐसा थोड़ा सा जोन आउट भी मुझे फील हो रहा था। बट somehow I managed, I woke up actually very very late. बट यही सोचा कि देर आए दुरुस्त आए, तो अपना स्केड्यूल फॉलो करते हैं। माना सब कुछ थोड़ा सा डिले चल रहा है पार्टीज़ की वजह से। न्यू ईयर पे पार्टी करके पता नहीं क्यों मुझे ना अजीब सा रिग्रेट सा हो गया था, लाइक आई शुड हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव, बट वाई आई एम यू नो जस्ट पार्टिंग। क्योंकि लास्ट 2 डेज से मेरी दोस्त की भी बर्थडे पार्टी थी, फिर न्यू ईयर पार्टी। तो मुझे ना ऐसा ज़्यादा पार्टीज़ करके या ज़्यादा हैंग आउट करके एंड काम करके थोड़ा सा रिग्रेट सा फील होने लगता है, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट ऑफ वर्किंग। आई कॉन्ट सिट स्टिल। तो आज का दिन मैंने ऐसे रखा कि तुम स्टिल रहोगी, तुम ओवरकम नहीं करोगी, और मतलब जो भी है अपनी चीज़ों पे फोकस करो। वट एवर यू लाइक लिसनिंग टू, लिसन टू दैट। तो सुबह तो मैंने बहुत मस्त गाने भी सुने, एंड उसके बाद स्पॉटीफाई पे एक महाभारत का बहुत अच्छा थोड़ी थोड़ी स्टोरीज निकाल के पॉडकास्ट है, तो वो सुना। तो वो स्टोरी सुना मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने अपनी जो कंटेंट है जो मुझे जनवरी में डालना है, सारी कंटेंट को प्लान किया सुबह, वो अच्छे से लिखा। क्योंकि आई फेल्ट कि सबका ना एक जोन होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 दिन के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो मैं पोस्ट करे जा रही हूँ, फिर 3-4 दिन में ना वैसे थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ, मैंने ओवर कर दिया है। तो मैं बस उसी को लिख के थोड़ा सा ऐसा कर रही हूँ, बिकॉज हाई ऑन एनर्जी होना भी कभी कभी मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। एंड उसके बाद मम्मी सुबह यहाँ मेरे लिए परेशान थी कि भाई तू एकदम न्यू ईयर के दिन बदलने के लिए काम पे लगी हुई है, थोड़ा कुछ खा ले। तो हम सब बैठ के नारियल खा रहे थे। एंड मैंने एक नई प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट की है कि अब से मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूँगी। बट अभी सुबह इतना हल्ला हो रहा था, मेडिटेशन के लिए थोड़ी सी शांति चाहिए, तो मैंने सोचा सोने से पहले कर लूँगी। एंड आज मैंने बुक के एटलीस्ट 12 चैप्टर्स फाइनली पहुंच गई हूँ, और मुझे कैसे भी करके बुक ख़त्म करनी है। मुझे बहुत अच्छी बुक लग रही है ये। बट ऐसा घर पे रहते ना, जब आप ऐसे सारे साथ में, तो पढ़ तो आप सकते हो ही नहीं। मेरे घर वाले आके मेरे सामने इतनी बातें बना रहे हैं। बस मेरे में ना एक बहुत बुरी चीज़ है कि जब मैं सुबह टहल के आ जाती हूँ, मुझे इतनी नींद आती है कि मत पूछो कितनी नींद आती है। गाइस, खाना आ चुका है, टेस्टी वाला मम्मी ने बना दिया है। कह रही है मेरे प्लेट का मत बनाओ, अपने प्लेट का बनाओ जो मैंने अच्छे से दिया है। हमको यही बनाना है, ठीक है। और खाने में भी मस्त, मम्मी ने आलू पालक बना रखा था और थोड़ा सा मेरा फेवरेट कढ़ी। मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है, बट सिर्फ मम्मी के हाथ का। तो मोस्टली जो लंच टाइम होता है ना, ये हमारा गॉसिप टाइम होता है। ये सबसे अच्छा हीलिंग और रेजुमिनेटिंग टाइम होता है, क्योंकि मम्मी पूरे फैमिली की गॉसिप बताती है। मेरा भाई भी वहाँ बैठा रहता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, फिर भी हम गॉसिप करते रहते हैं। फिर दोपहर के टाइम पे पापा भी हमारे फ्री हो जाते हैं, तो हम पापा को भी इन्वॉल्व करके उनसे भी बहुत सारी चिटचैट करते हैं, तो वो हमको बहुत सारा ज्ञान देते हैं। पापा का मोस्टली टाइम होता है कि हमें ज्ञान ही देते रहते हैं। फिर दोपहर में ना मुझे, जब मैं ज़्यादा थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, जैसे आज मैंने 7 किलोमीटर वॉक कर लिया था, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं अवॉइड करती हूँ दोपहर में सोना। मैं दोपहर में भी अपने आप को इतना बिजी रखना चाहती हूँ कि मैं काम पर लग जाऊँ, एंड मोस्टली मैं काम ही कर रही होती हूँ। बट आज मैंने सोचा चलो वी आर डूइंग अ स्लो डे, देन लेट्स टेक दिस डे वेरी स्लो। तो मैं सो गई, 1-2 घंटे में उठी, एंड विथ बहुत सारा रिग्रेट उठती हूँ मैं शाम में। जब भी सो जाती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल नहीं पसंद दोपहर में सोना, बट मुझे नींद भी बहुत आती है। फिर मम्मी ने थोड़ा मूड ठीक करने के लिए मैगी बनाई थी, बहुत टेस्टी, ऐसे स्मोकी मैगी मैंने पहली बार खाई थी। एंड मम्मी को मैं बार बार रिक्वेस्ट करी थी, मम्मी मैगी एक बार ट्राई करो, बहुत ही आम है, क्योंकि मैंने इतने टाइम, ऑलमोस्ट 1 साल बाद इतनी अच्छी मैगी खाई। एंड फिर मैंने मेडिटेट करने की कोशिश की, क्योंकि घर में 1 घंटे की शांति थी, सब वॉक पे निकले हुए थे। बट नहीं, मम्मी हंसे जा रही थी मेरे साइड में, मुझे करने ही नहीं दिया मेडिटेट। तो
मैंने कुछ 10 मिनट ऐसा ओम चैंट करने का ट्राई किया, फिर थोड़ा सा स्किन केयर किया। आप हमेशा पूछते रहते हो कि मेरा एक्चुअल स्किन केयर क्या है। गाइज, मैं वही चीज़ें प्रमोट करती हूँ अपने चैनल पे जो मैं खुद अपनी रियल लाइफ पे भी यूज़ करती हूँ। जैसे मैं डर्माको के प्रोडक्ट्स बहुत प्रमोट करती हूँ, डॉटिंग की भी प्रमोट करती हूँ, तो मैं उसको एक्चुअली अपनी लाइफ में यूज़ करूँ। आई विल नॉट पुट अप एनी प्रोडक्ट ऑन माई प्रोफाइल विच आई डोंट यूज़। और मुझे वॉइस ओवर करते करते वापस से सर्दी हो गई। रात में मैंने चिल्ला चिल्ला के एक चैप्टर पढ़ा कि मेरे भाई बोलने की भी इंग्लिश आदत बनी रहे और प्रोनंसिएशन भी ठीक रहे। फिर सुबह 2 बजे कुछ फ्लाइट भी करनी थी, दिल्ली पुणे, पुणे दिल्ली। ज़्यादा छोटी फ्लाइट नहीं है, मतलब 1 घंटे 40 मिनट्स की, और सुबह तुम 9-10 बजे क्या यार 8 बजे घर पहुँच जाते हो। तो एक्चुअली मैंने फ़्लाइट कुछ, ये वीडियो पुरानी है, मैं अभी एडिट कर रही हूँ इसलिए मैं भूल रही हूँ टाइम। और मैंने सुबह सुबह अपने लिए मस्त गर्म पानी किया। फ़्लाइट थोड़ी सी डिले हो गई थी तो हमें एक सर्विस, वैसे तो हमारी जो नॉर्मल सर्विस होती है हम करते हैं, बट एक एक्स्ट्रा सर्विस करनी पड़ी क्योंकि फ़्लाइट डिले हो गई थी। एंड अभी तक की फ्लाइट बहुत अच्छी जा रही थी, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मिले मुझे पुणे की फ़्लाइट पे। एंड आप लोग जब भी मुझसे पूछते हो, आप ये पूछते हो कि एतिहाद एयरवेज़ का क्या अपडेट है, आप एतिहाद एयरवेज़ जा रहे हो कि नहीं, तो गाइज मैं एक कंसर्न्ड एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी एतिहाद एयरवेज़ का, क्या हुआ, क्या इंटरव्यू हुआ, कैसे हुआ, मैं कब जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में कि क्या अपडेट है। एंड बहुत कुछ यार इस साल आप लोगों को अपडेट देना है। मैंने लाइफ में कुछ स्टेप्स लिए हैं, बहुत मेजर स्टेप्स, तो उन सब के बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी थ्रू अ वीडियो। आई थिंक एक वीडियो काफ़ी नहीं होगा, 2-3 वीडियो देना पड़ेगा। तो आई जस्ट होप कि सब कुछ अच्छा जाए। एंड कल का दिन अच्छा रहा। आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू पुट अ रीसेट डे इन योर लाइफ एंड यू नो जस्ट ट्राई टू डू समथिंग ऐसा एक दिन लेके कि आपको जिस तरीके से एक्चुअली हर रोज़ लाइफ जीनी है वैसे एक दिन प्रैक्टिस करके देखो एंड जस्ट कीप कंटिन्यूइंग इट फॉर 12 or 21 days, यू विल गेट यूज टू इट। So yeah guys, this was my 2024 first day. I hope you liked the video. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe guys. Bye.